नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में सबसे सेफ जोन कौन कौन से हैं और कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना दोस्तों जो है सेफ स्कोर रह सकता है अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा तो। साथ ही साथ जो है इस बार आपको सेलेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है और क्या 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपको YouTube पे बताया जाए कि 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। या फिर कहें कि SC ST कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन अगर जनरल में बात करें या फिर OBC में बात करें, OBC की भी जनसंख्या काफ़ी है, तो जनरल OBC में बहुत ही ना का मात्र है कि चांस है कि हो जाए, मतलब 99% है कि नहीं होगा। 50 नंबर बहुत ही कम होता है, ये फालतू की बातें हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का कटअप, किसी भी जोन का कटअप देखेंगे तो 72, 69 ऐसे ऐसे है, 70 के आसपास है कटअप, कहीं कहीं 76, कहीं कहीं 82, 80 के पास भी है। लेकिन पिछली बार एक फैक्टर काम कर रहा था, आप देखेंगे 60 नंबर से कई लोग 80 नंबर पे पहुंच जा रहे थे, 69 से मैंने यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे, आप देख रहे होंगे 90 के आसपास पहुंच जा रहे थे। तो नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबर मिल रहा था, जो कि इस बार जो है, जो कि आप जान रहे हैं कि एक एक जोन का ऐसे ऐसे एग्ज़ाम करा रहा है और फेज वाइज करा रहा है, तो इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन पे काफ़ी कम प्रभाव पड़ेगा, जहाँ पर आपको 2 से 5 नंबर ही अधिक मिल सकता है। बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा आपको, क्योंकि ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि जितने जोन के लोग हैं अलग अलग जो है एक एक फेज़ में कर करके तोड़ तोड़ के एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ का वेरिएंस नहीं रहेगा। और रॉ स्कोर क्या रहेगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंपटीशन की बात करें तो मेरे हिसाब से 6 जो सेफेस्ट जोन है वो ये हैं। लेकिन देखिए, एक बात और लोग ध्यान नहीं देते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 92 कंपटीशन है और 93 हुबली में है, 94 चेन्नई में है और सीआर मुंबई में आपका जो 97 है परसीट कंपटीशन, कोलकाता में आपका 100 है, सिकंदराबाद में आपका 101 है। लेकिन लेबल क्वेश्चन का क्या आएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन जो लोग जो लड़के बैठ रहे हैं उनका लेबल क्या है, साथ ही साथ इस पर भी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि लेबल क्या है। मान लीजिए कि 10 ही लड़के हैं, एक सीट है, 10 लेबल वाले हैं और यहाँ पर दोस्तों एक सीट है और 100 लड़के हैं, कंपटीशन तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन 100 का लेवल उतना बढ़िया नहीं है जितना 10 का है, तो यहाँ पर कंपटीशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ पर ये चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म बहुत ही दिमाग से इधर उधर भरा गया है। अगर आपने इनमें से जो है आप फॉर्म भरे हैं तो काफ़ी आप लकी हैं। अब यहाँ पर बात कर लिए कि कितना यहाँ पर कंपटीशन है, अब यहाँ पर बात करेंगे कितना रॉ मेरा रहे कि जो है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देखेंगे UR मतलब जनरल होता है, ओपन होता है, और EWS में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका बल्ले बल्ले है, क्योंकि उस समय EWS नया नया आया था, साथ ही साथ इस बार कंपटीशन लेवल कम है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, 3 लाख लोगों को पास करेगा, तो 3 लाख लोगों को जब ये बुलाएगा तो उसमें से दोस्तों जानते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तब तक NTPC का हो जाएगा, NTPC का आपका जो है NTPC का तब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये 35,000 जो है लगभग में लड़के यहाँ से निकल जाएंगे, 3 ही लाख में से वही लड़के जो NTPC निकालेगा ग्रुप डी निकालेगा ही भैया, ऐसा तो उसका लेवल होगा नहीं। तो 35,000 में वो लड़के भी आपके माइनस होंगे, साथ ही साथ कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि उस समय कंफर्म नहीं हुआ था कि मतलब सबका क्या कहते हैं उसको, बुलाया ही नहीं गया था अभी जो है जॉब पे, तो उस समय वो लोग भी फॉर्म डाल दिए थे, वो लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। साथ ही साथ आपका कंपटीशन क्यों कम रहेगा, SSC का दोस्तों अभी MTS का रिजल्ट आया, इसमें कई लोग सेलेक्ट होंगे, आपका CHSL में, आपका CGL में फॉर्म तो डाल ही देते हैं सब। अभी दोस्तों UPSI का एग्ज़ाम हुआ है, UPSI का अभी आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, इसका भी रिजल्ट अभी आ जाएगा कुछ देर में, क्योंकि इनमें और प्रोसीजर नहीं है। तो ये 3 लाख में अगर लड़के होंगे भी ना तो ये नहीं जाएंगे जॉब पे। तो अगर आप 3 लाख में भी अपनी सीट कंफर्म कर लेते हैं तो दोस्तों आप जो है इसमें सेलेक्ट होने की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संभावना है, ठीक है। PET क्वालिफाई, लेखपाल वाले PET में जाएंगे नहीं, दौड़ नहीं पाएंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कितना आपको रॉ लेना लाना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 61 जो है अगर मेरे हिसाब से आप रॉ ला लेते हैं मुंबई में, मतलब WR मुंबई में, तो दोस्तों आप सेफ रह सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहा तो 61 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया नंबर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर दोस्तों 70 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, 5 गलत कर देते हैं या फिर 6 गलत कर देते हैं, आप जान रहे हैं 2 नंबर यहाँ से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जो है 61 जो है मैं रॉक की बात कर रहा हूँ, इतना कट पिट करके आपका आना चाहिए वैलिड क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी 5+ आप बना सकते हैं, क्योंकि
अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हल्का हो गया तो लड़के इस समय 70-72 तुरंत मार रहे हैं, ठीक है, तो आपका जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल जैसा कि दिखाई दे रहा है एनटीपीसी में, आप देखे होंगे लेवल 2 का और भी आप देखे होंगे, तो इसमें काफ़ी लेवल बढ़िया रह रहा है और ये जोन जो है सेफेस्ट जोन है, बाकी आपका जाएगा कहीं कहीं 70-72, लेकिन जो ये सेफेस्ट जोन है तो यहाँ पर दोस्तों जो है 75 के आसपास भी कटअप जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके कम कंपटीशन है और जो है यहाँ पर आपका कम रॉ में ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर पेपर का लेवल आसान आता है तो आपको मार देना छक्का, क्योंकि देखिए अब मेरे कहने पे मत जाइए, क्योंकि देखिए एक अनुमान है, अनुमान में दोस्तों जो है इतना रॉ पे इतना हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार देखा हमने 60 से यहाँ पर देख रहे हैं कि चेन्नई में या फिर मुंबई में तो मान लीजिए ज़्यादा गया था, लेकिन चेन्नई होने में आप देखेंगे जहाँ पर कंपटीशन कम था वहाँ पर 59 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 75-70-72 के आसपास हो जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी यहाँ पर मिल रहा था। तो उसी हिसाब से अगर मैं रॉ की बात कर रहा हूँ तो इतना अगर आप रॉ लेके आ जाते हैं मुंबई जो WR के लिए 61, हुबली के लिए 62, 63 चेन्नई के लिए और 64 जो है आपका CR मुंबई के लिए, 65 जो है कोलकाता के लिए और सिकंदराबाद के लिए 66, और OBC अगर आप हैं तो -2 कर दीजिएगा, EWS हैं तो -6 कर लीजिएगा, क्योंकि EWS का इस बार चानी होने वाला समझ लीजिए, कई जगहों पे मैंने देखा EWS, NTPC का भी देख लीजिए, वो भी लेट फॉर्म मतलब वो भी 2019 का ही है तो वहाँ भी वही हाल है, ठीक है। SC के बराबर कई बार चले गए हैं, कई बार तो ST से भी कम चले गए, क्योंकि वहाँ पर जो है उस जोन में EWS वाले डाले ही नहीं है, बहुत कम डाले हैं, मतलब डाले नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इतना अगर आप रॉ लेके आ जाएंगे तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आप सेलेक्ट हो जाएंगे माइनस करने के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा तो 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर ये तो बढ़ने ही वाला है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम अलग अलग जोन का नहीं करवा रहा है, एक ही जोन को बांट दे रहा है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है इन जो सेफेस्ट जोन है इसमें दोस्तों आपके 65 यहाँ पर बात करें एवरेज में तो 65 के आसपास अगर आप रॉ लेके आ जाते हैं तो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी ये सब तो काफ़ी सेफेस्ट हैं तो इसमें कम पे भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस 5 कर दिया है। तो यहाँ पर इसका 66 हो जाएगा, अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 67 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इतने पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 3 लाख में बस आपको यहाँ पर जगह बनानी है, बाकी देखेंगे यहाँ पर NTPC वाले घींच दे जाएंगे चले जाएंगे, बाकी आपके SSC में कुछ लोग क्वालिफाई होंगे, कुछ लोग SSC के आपके अभी जो आपका क्या कहते हैं हवलदार वाला है उसमें कई लोग सेलेक्ट होंगे, बहुत और सब एग्ज़ाम है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कोई यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर नहीं बनने जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन कोई जॉब छोटी नहीं होती, आज देख रहे हैं कितना मारा मारी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक। जो लोगों ने मतलब जिन भी लोगों ने इन जोनों से फॉर्म भरा था काफ़ी लकी हैं आप, या फिर काफ़ी तोड़ जोड़ करके आपने फॉर्म भरा है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए, 70-80 टारगेट जितना ऊपर लेके चलेंगे उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतने के आसपास जो है कटअप आपका जाएगा, 65 के आसपास इन जोनों का देख लीजिएगा आसपास आपके कटअप जाने की संभावना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आप OBC हैं तो -2, EWS तो -6, SC हैं तो -8 और ST हैं तो -10 के आसपास जा सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा क्वेश्चन के लेवल और बच्चों के लेवल के ऊपर। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।